everyone and welcome to Combined CS. In this video, I am going to discuss about what are the important topics and basically what is the syllabus of artificial intelligence as per UGC NET syllabus. Correct? तो सबसे पहले मैं सारे लर्नर्स के लिए बोलना चाहूंगी, आइदर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का या अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, ईच एंड एवरी, अगर मैं यूनिवर्सिटी परस्पेक्टिव की बात करूं तो आपका सिलेबस कॉमन ही होगा, एक दो ऐसे पॉइंट होंगे जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पीएचडी एंट्रेंस के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो भी वीडियो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बनाने जा रहे हैं वो यूजफुल होगा। तो चलिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। अगर आपका ये फ्यूचर में कैरियर है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर एज अ कैरियर चॉइस कर रहे हो तो आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। करेक्ट? एंड इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए नहीं कि आपके सिलेबस में है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाउडेज देर आर सो मेनी आईटी रिलेटेड जॉब्स, आइदर आईटी और नॉन आईटी, जो कहीं ना कहीं अगर आपने ये कोर्स किया है, आपको इसका प्रैक्टिकल भी नॉलेज है तो आपको इजिली बहुत अच्छे पे स्केल पे जॉब मिलती है। तो ये बात हो गई कि वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ अब एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो बिकॉज ये इतना ब्रॉड स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो व्हाट आर दोस टॉपिक्स, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहला ही सब टॉपिक है यूजीसी नेट का, अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैंने ये बोला कि आपका साइंस है, मैथमेटिक्स है आपका एक सब्जेक्ट, करेक्ट, तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं हर एक सब्जेक्ट को कॉम्प्राइज करेगा। कैसे? तो अगर आपको मैंने बोला कि अगर आपको a प्लस बी करना है, दैट इज व्हाट अ सिंपल मैथमेटिक्स का मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको एग्जीक्यूट करने का काफी तरीका है। पहला तरीका ये होगा कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, अब यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका क्या रोल होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप उस पुराने मेथड्स में क्या ड्रॉबैक्स थे उससे आप कुछ नया सीखते हो। नया इन द सेंस, अगर मैं बात करूं द बेस्ट एग्जाम्पल इज कि अगर आप ट्रवाइगो पे जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट होटल्स हैं जो आपको बेस्ट रेंज में वो डिस्प्ले करता है। करेक्ट? तो आपने कभी ये छोटा सा नोटिस किया कि गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करते हो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो तुरंत आपको सर्च लिस्ट में सारे पॉसिबल ऑप्शन देता है। कैसे? कितना फास्ट गूगल एग्जीक्यूट कर रहा है। करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, आप जैसे व्हाट्सएप पे या गूगल पे आप अपने माइक के थ्रू आप ऑडियो और वीडियो मैसेजेस ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? व्हाट इज दिस? दिस आर व्हाट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आप जो बोल रहे हैं आपका जो फेस है उसको भी रिकॉग्नाइज करके वहां पे कई सारे फेशियल रिकॉग्निशन होते हैं। इवन जो ट्विटर पे आप कुछ भी ट्वीट करते हो उसमें कितना रेटिंग जा रहा है, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी को कितना आप रेट दे रहे हो, ये सारा इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स है एंड दिस ऑल टर्म्स आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट? तो इसमें आप ये समझते हो कि एक आपको सपोज मशीन बनाना है, उस मशीन को बनाने के लिए आप क्या इंटेलिजेंस उस मशीन में फीड करोगे सो दैट कि वो मशीन इतना स्मार्टली बिहेव करेगा कि आप उसमें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि आइदर वो मशीन आपको रिप्लाई कर रहा है या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हमारे जैसे रिप्लाई कर रहा है। तो दिस इज व्हाट अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें गेम प्लानिंग, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स है, आपके मिनमैक्स थ्योरम है जो आपके सेमेस्टर वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बात करूं तो आपने भी सुना होगा ए स्टार, डीएफएस, बीएफएस, तो दीज आर द सर्च टेक्निक्स। करेक्ट? उसके बाद सेकेंड टॉपिक है आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये बात हो गई कि आपका एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप एआई की मदद से, बट एआई में भी आपको कैसे सॉल्व करोगे, किस तरीके से आपने उस नॉलेज को आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि अगर मैंने यहाँ बोला दिस आर व्हाट, दिस आर वेरिएबल्स, आप इसकी जगह पे सिमिलरली आप 1+2 भी लिख सकते थे कि हमने वेरिएबल ना लेकर सिंपली एक वैल्यूज असाइन कर दिया। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपका कोई प्रॉब्लम डोमेन है, उस प्रॉब्लम डोमेन को आप ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप टेबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। दिस आर हाउ कि आप नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वहां पे कई सारे क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस इन द सेंस मैंने बोला टुडे इज हॉट वेदर, तो इट इज अ स्टेटमेंट, आप इसका आंसर दोगे यस और नो,
ठीक है, तो ये सारा हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग। अब जब आपको एक प्रॉब्लम पता है, उस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल से बात होती है, आप कुछ प्लान करोगे। प्लान मीन्स कि आपको एक गोल स्टेट तक पहुंचना है। गोल स्टेट मतलब समझो कि आपका एक एम है कि आपको GRF क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, प्रॉपर 6 मंथ का आप कोर्स परचेस करोगे, कंटिन्यूअस स्टडी करोगे। इट मीन्स कि यू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ एक्शंस, उस एक्शंस को अगर आप प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंट वे में फॉलो करेंगे, देन आपने गोल स्टेट को आप रीच करोगे। दिस इज नोन एज प्लानिंग, जिसमें आपके कई सारे प्लानिंग, नॉन प्लानिंग, गोल स्टेट प्लानिंग्स होते हैं। एंड कई बार इन सारे टॉपिक्स पे आपके यूजीसी नेट में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद बात आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो मैं स्पीक कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, करेक्ट। हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो साउथ का हो, उसे हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती हो, तो कैसे आप उसको बताओगे? तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज हाउ कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में व्हाट आर द एप्लीकेशंस, जैसे सिमेंटिक डिफरेंट होती है, सिंटेक्स डिफरेंट होती है। मैंने अगर बोला द थिंक टैंक, ठीक है, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया द थिंक टैंक, व्हाट डज इट मीन। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है टैंक, टैंक का अपना एक मीनिंग है। मीनिंग इन द सेंस, अगर मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं टैंक व्हाट इज टैंक, तो वो क्या समझेगा? टैंक मीन्स, लेट अस सपोज ही कैन अंडरस्टैंड कि एक वाटर का टैंक है, ठीक है। दूसरा कोई बच्चा रहेगा, वो क्या बोलेगा कि ओके, आर्मी वाले जो टैंक यूज करते हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक वर्ड है, उस एक वर्ड का कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। दीज आर नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर काफी टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद है मल्टी एजेंट सिस्टम। अब यहाँ पे बात आती है एजेंट की। तो जैसे वी आर अ ह्यूमन बींग, वी आर अ एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ईच एंड एवरी थिंग को आप बोलते हो एज अ सॉफ्टवेयर, करेक्ट। अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप बोलोगे इट इज अ सिस्टम। सिमिलरली यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करेगा, वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा? एजेंट। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट। हर एक एजेंट के अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, उनके अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं कि किस इन्वायरमेंट में परसीव करेंगे। लेट अस सपोज अगर मैंने बोला यहाँ पे माइनस डिग्री में अगर अभी का वेदर है, तो ऑब्वियसली फिर मैं यहाँ पे जैकेट्स वगैरह सब कुछ पहन के आऊंगी। तो इट इज हाउ कि जो एक एक्टर है या जो एक एजेंट है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, सर्वाइव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है सारी चीजें। तो दिस इज हाउ मल्टी एजेंट सिस्टम। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फजी सेट्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो फजी सेट मीन्स व्हाट? फजी मतलब कि जो एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मीन्स दैट इज नॉट क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि सपोज एप्पल है, करेक्ट। एप्पल का कलर क्या है? एप्पल का कलर क्या? तो एप्पल का कलर बहुत कुछ हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। दीज आर द चॉइसेस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि एप्पल मस्ट बी इन अ रेड कलर, करेक्ट। तो फजी मीन्स कि यू हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इट इज 100% एक्यूरेट। आप उसको कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू दोगे, और कहीं ना कहीं जो आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हो अपने यूजीसी नेट में या अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, वहां पे जितने आपके ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, वो सारे ऑपरेशन आपके फजी लॉजिक में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, बट उसका करने का तरीका अलग होता है। उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम, एज वी ऑल नो, सपोज आई एम अ चाइल्ड, करेक्ट, मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने अपने पेरेंट्स से उनके कुछ फीचर्स को इनहेरिट किया है। तो इनहेरिटेंस इज व्हाट? अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो और उसका यूज करके आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे। तो सिमिलरली जेनेटिक एल्गोरिदम में आपके कई सारे स्टेप्स होते हैं, म्यूटेशन है, क्रॉस ओवर है, और कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द साइकिल ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम। किस तरीके से आपके पास एक प्रॉब्लम डोमेन है, लेट अस सपोज आप उस प्रॉब्लम डोमेन में से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन आप सेलेक्ट करोगे, है ना। तो दिस इज व्हाट जेनेटिक एल्गोरिदम, एंड नॉट इन द लिस्ट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कहीं पे अगर डायग्राम भी देखोगे, तो वहां पे एक ह्यूमन ब्रेन होता है, और वी ऑल नो कि ह्यूमन ब्रेन में आपके कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड वो कुछ ना कुछ फंक्शनिंग करते हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके कई सारे लर्निंग मेथड होते हैं। लर्निंग मेथड जिसमें हम बोल सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग है, जहां पे एक आपका गाइडेंस होगा कि आप उसके अंडर में कुछ कर रहे हो। अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, री इन्फोर्समेंट होता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपका लेटर सपोज दो बार से एग्जाम के लिए नहीं हो रहा है यूजीसी नेट का,
तो आप एक एजुकेटेड के अंदर में अगर पढ़ते हो, उसके गाइडेंस से पढ़ते हो, तो वो आपको डे बाय डे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है. तो सिमिलरली दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड ये सारा टॉपिक मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर किया है. तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले दिनों में मैं इन सारे टॉपिक्स का वीडियो अपलोड करूंगी, जो आप इजिली किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.